औरतें कितनी मेहनती होती हैं, मिसाल ज़रूर दें। औरतें बहुत मेहनती होती हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 100 में से सिर्फ 12 औरतें ही कुदरती हसीन होती हैं, बाकी अपनी मेहनत से। उस्ताद पप्पू से, बेटा ये बताओ कि सूरज से हमें क्या फ़ायदा होता है? पप्पू, जनाब सूरज का एक फ़ायदा तो ये है कि इसकी वजह से हमें 3 महीनों की छुट्टियां मिलती हैं। उस्ताद पप्पू से, वो गया और ऐसा गया कि बस गया ही गया का अंग्रेजी में तर्जमा करो। पप्पू, ही वेंट और ऐसा वेंट कि बस वेंट ही वेंट। अकाउंटेंट की बीवी ने अपने शौहर से पूछा, ये अफराते जर क्या होता है? अकाउंटेंट बोला, पहले तुम्हारी उम्र 21 थी, कमर 28 थी और वजन था 50 किलो और अब तुम्हारी उम्र 40, कमर 42 और वजन है 80 किलो। तुम्हारे पास अब सब कुछ पहले से ज़्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है, यही अफराते ज़र है। मुआशियात इतनी मुश्किल नहीं अगर सही मिसाल देकर समझाया जाए। एक पर्चे में सवाल आया कि पेंटर किसे कहते हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में पेंटर पे से शुरू होता है और पेंट भी पे से, इसलिए मुझे लगता है कि पेंट सीने वाले को पेंटर कहते हैं। पप्पू, तारीख मेरा पसंदीदा मजमून है। बबलू, अच्छा तो फिर अकबर बादशाह की फतूहात पर रोशनी डालो। पप्पू, मैं रोशनी जरूर डालता मगर आज मेरे पास लाइट नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए अब मैं जहां भी जाता हूं अपने मोबाइल फोन का चार्जर साथ लेकर ही जाता हूं। उस्ताद पप्पू से, मैं तुमसे इतनी देर से सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं देते? पप्पू, क्योंकि सर मेरी अम्मी मना करती हैं कि बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। एक औरत अपने बेटे को झिंझोड़ रही थी, स्कूल का वक्त हो गया है, जल्दी उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। बेटा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल से नफरत है, बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, उस्तानियां मुझे नफरत से देखती हैं, स्कूल का सारा स्टाफ मुझे नापसंद करता है। औरत, मगर तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं बल्कि 40 साल के हो और स्कूल के हेडमास्टर हो। बेटा, अब्बू मुझे 100 रुपए जुर्माना हुआ है। बाप, वो क्यों? बेटा, मैं आज स्कूल लेट गया था। बाप, अबे गधे, मैं तुम्हें स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या फिर पढ़ने के लिए? बादशाह मजदूर से, क्या तुमने मेरा मकबरा तैयार कर लिया है? मजदूर, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह, इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं? मजदूर, बड़े ही अदब से, बस आपकी कमी है हजूर। उस्ताद शागिर्द से, अंडे और डंडे में क्या फर्क है? शागिर्द, जनाब कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही खाने की चीजें हैं। पहला बच्चा, मेरे दादा इतने बहादुर थे कि उन्होंने एक जंग में एक आदमी की टांग काट दी। दूसरा बच्चा, अरे टांग क्यों काटी, गर्दन क्यों नहीं काटी? पहला बच्चा, क्योंकि गर्दन तो पहले ही किसी ने काट दी थी। डॉक्टर मरीज के मुआयने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चों के शोरोगुल की वजह से कमरे में हंगामा हो रहा है। डॉक्टर ने ये सूरत हाल देखी तो मरीज से बोला कि मोहतरम, आपको मुकम्मल आराम की जरूरत है, मेरी राय ये है कि आप कल से ही अपना दफ्तर ज्वाइन कर लें। भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। बच्ची, मैं तुम्हें बाबा नजर आती हूँ। भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दो बेटा। बच्ची, मैं तुम्हें बेटा नजर आती हूँ। भिखारी, अल्लाह के नाम पर दे दो बेटी।
लड़की खुश होकर, हाँ ये हुई ना बात, जाओ अब माफ करो बाबा। एक साहब एक नजूमी के पास गए और उससे अपनी किस्मत का हाल पूछने लगे। नजूमी ने हाथ देकर कहा, तुम्हारी किस्मत में 5 साल तक दुख है आदमी, और 5 साल के बाद क्या होगा? नजूमी, उसके बाद 5 साल मजीद दुख लिखा है आदमी, उसके बाद क्या होगा? नजूमी, उसके बाद तुम दुख सहने के आदि हो जाओगे। एक शख्स ने मिठाई की नई दुकान खोली, उसे एक मुलाजिम की जरूरत थी, तो एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा मुलाजिम चाहिए, नया, पुराना, मंजा हुआ, बूढ़ा या फिर जवान? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, उम्मीदवार बस एक ही शर्त पूरी करता हो कि वो शुगर का मरीज हो। एक माँ ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए कहा, याद रखो बेटा, हम इस दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए आए हैं। तो बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, और अम्मी दूसरे यहाँ किस लिए आए हैं? उस्ताद पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि साल में कितने मौसम होते हैं? पप्पू, सर 4 मौसम। उस्ताद, शाबाश बेटे, अच्छा बताओ कौन कौन से, नाम बताओ। पप्पू, नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 हड़ताल, नंबर 3 गेम डे, और नंबर 4 इम्तिहानात। एक अमीर आदमी मरने लगा तो एक गरीब ने उससे कहा कि जनाब मरते वक्त तो खुदा की राह में कुछ देते जाओ। तो अमीर आदमी जो नीम बेहोश था कहने लगा, जान तो दे रहा हूँ, अब और क्या दूँ। एक पागल दूसरे से, यार बड़ी हैरत की बात है कि अंडे में से चूजा कैसे निकल आता है? दूसरा पागल बोला, अरे यार इससे ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि चूजा अंडे में दाखिल कैसे होता है। एक आदमी नौकरी की तलाश में एक आदमी के पास पहुंचा। उस शख्स ने पूछा कि तुम खाना पकाना जानते हो? नौकर, जी हाँ। मालिक, कार चलाना जानते हो? नौकर, जी हाँ। मालिक, झूठ बोलना जानते हो? तो इस पर नौकर ने जवाब दिया कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था? बेटे ने बाप से कहा कि अब्बू मैं खिड़की के करीब खड़ा गाना गा रहा था तो किसी ने एक जूता फेंका। बाप, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम एक और गाना गाओ ताकि दूसरे पैर का जूता भी आ जाए। बबलू पप्पू से, अगर आधी रात को इंसान की आंख खुल जाए और घड़ी बांधो तो वक्त कैसे मालूम होगा? पप्पू, अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, बस तुम जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दो, पड़ोस में से आवाज आएगी, ये रात के 2 बजे किस कमीने को तकलीफ शुरू हो गई है।